नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 22 है। तो बेसिकली ये हम लोगों का कंटिन्यूएशन है इक्विवेलेंस क्लासेस का। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर ए हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर ए का खुद उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया जाए, मीन्स कि ए क्रॉस ए कि जो सबसेट होंगे, लेट इट बी आर मान लेते हैं इन जनरल, कि ए क्रॉस ए के जो सबसेट होंगे वो क्या बच्चों कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों हमारे रिलेशन ऑन अ सेट ए। ये कहलाते हैं बच्चों हमारे जो ए क्रॉस ए के जो सबसेट होते हैं वो कहलाते हैं रिलेशन ऑन अ सेट ए। अगर इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं तो आर हमारा जो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का वो कुछ इस फॉर्म का होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहां पे ए और बी हमारे कहां से आ रहे हैं, सेट ए से। आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, ये नोटेशन है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर आपके पास आर कोई रिलेशन है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। कब? जब हर एक एलिमेंट अपने आप का क्या हो, रिश्तेदार, मतलब कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। डेट इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट, मीन्स कि सेट कोई जो गिवन सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है वो सब अपने आप से क्या होने चाहिए, रिलेटेड। अगर ऐसा होल्ड कर पाता है तो हमारा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। कब? अगर आपके पास ए बी का रिश्तेदार है, मींस कि ए इज रिलेटेड टू बी, तो अब एक कंपल्सन हो गया है कि इस रिलेशन को अगर सिमेट्रिक होना है तो बी को भी रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी ऐसे, मीन्स बी इज रिलेटेड टू ए। फिर एक और रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, ट्रांजिटिव मीन्स इफ अगर ए बी का रिश्तेदार है और साथ ही साथ बी सी का रिश्तेदार है, तो अगर रिलेशन ए क्रॉस ए का जो सबसेट है उसको अगर ट्रांजिटिव होना होगा तो उसके लिए यह है कि ए को रिश्तेदार होना पड़ेगा सी का, मीन्स कि ए इज रिलेटेड टू सी। तो आपने क्या, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका अगर खुद से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उसका सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशन ऑन अ सेट, जिसको आप ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हो, या आप ऐसे कि ए इज रिलेटेड टू बी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे रिलेशन थ्री टाइप्स के हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फिर इसमें यह भी देखा कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमल्टेनियसली सिमेट्रिक भी हो और साइमल्टेनियसली ट्रांजिटिव भी हो, मतलब कि तीनों क्वालिटीज हो, तो वो हमारा रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब बेसिकली बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करके उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारा एक कंटिन्यूएशन है। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन से ही हम लोगों ने डिराइव किया कॉन्सेप्ट, और जो कि है इक्विवेलेंस क्लासेस का, मीन्स कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन से ही बनाया इक्विवेलेंस क्लासेस। वो क्या था बच्चों, कि अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया जाए कि लेट कैपिटल आर हमारे पास बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपके पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है किसी नॉन एम्प्टी सेट पे ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट इट बी ए, सेट ए है हमारे पास, तो आप जो सेट ए है जिसके ऊपर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया है, अगर आप उस सेट का कोई एक आर्बिट्ररी कोई भी एक एलिमेंट लें, लेट इट बी ए बिलोंगिंग टू
सेट ए, कोई सेट ए का एक हमने छोटा सा एक एलिमेंट लिया जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए से। तो इक्विवेलेंस क्लासेस बच्चों किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की होती है। तो इक्विवेलेंस क्लास, तो इक्विवेलेंस अभी क्या बताया कि इक्विवेलेंस क्लास बच्चों एलिमेंट की होती है। तो यहां पे हमने कोई भी एक पर्टिकुलर रैंडमली हमने क्या किया, एक एलिमेंट पिक किया सेट ए का। तो इक्विवेलेंस क्लास उस एलिमेंट की कैसी होगी इज, अब देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि कैपिटल सी स्मॉल एल और जो एलिमेंट है उसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए पैरेंथेसिस में, या तो आप एक काम करिए स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए उसमें वो एलिमेंट रखिए, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप वो एलिमेंट लीजिए और ऊपर बार का सिंबल लगा दीजिए। तो ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास किसकी, ए की। तो बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, हमें उस सेट ए के वो एलिमेंट कलेक्ट करने हैं, वी आर गोइंग टू कलेक्ट दोज एलिमेंट्स ऑफ ए जो कि हमारे रिश्तेदार हों किसके, उस एलिमेंट ए के। X is related to A, that is कि X, A form में belong करे, हमारा ordered pair किस form का हो, X, A, मतलब कि X हमारा रिश्तेदार हो A का, means कि X related हो A से, वो element हम set A के collect करेंगे। अगर आपको ये चीज clear नहीं है तो अब और अच्छे से clear हो जाएगी जब हम लोग एक example लेंगे। अब देखिए एक example हम लोग previous lecture में ले चुके थे, तो ये हमारा है example number 2। हम लोग लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या ले रहे हैं बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर्स 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। अब एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, डिफाइन कि दो इंटीजर आपस में रिलेटेड हैं, मतलब दो इंटीजर आपस में रिश्तेदार तब होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर उनका जो डिफरेंस है लेट इट बी ए माइनस बी वो डिविजिबल हो 3 से। एक हमने एक रिलेशन बनाया कि दो इंटीजर्स आपस में रिलेटेड तब होंगे जब उनका डिफरेंस क्या हो, डिविजिबल बाय 3, डेट इज ए माइनस बी इज डिविजिबल a-b is divisible by 3। तो ठीक है, सबसे पहला टास्क क्या है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है। अब जब चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन हमें मिला है जो दो इंटीजर्स को कैसे रिलेट कर रहा है कि उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो, ये चेक करते हैं कि क्या ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहला टास्क है बच्चों इसका हम लोगों का कि अब चेक करना कि हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सॉल्यूशन तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं कि आप हर एक एलिमेंट अपने आप का रिश्तेदार हो, मतलब कि ए इज रिलेटेड टू ए, तो ये पॉसिबल है। तो देखिए अगर दो इंटीजर को रिलेटेड होना है और हमारा रिलेशन ये है कि उनका डिफरेंस डिविजिबल हो 3 से, तो यहां पे a इज रिलेटेड टू a मींस कि a माइनस a शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो आप देखेंगे कि a माइनस a हमारा आएगा क्या, 0, और आप देखते हैं कि 3 हमारा डिवाइड करता है 0 को। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि हमारा जो रिलेशन है ये तो रिफ्लेक्सिव है, r इज रिफ्लेक्सिव, r हमारा क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं सेकेंड। अब सेकंड में अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो सेकंड उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सिमेट्रिसिटी, मींस कि अगर ए बी से का रिश्तेदार है तो ये इंप्लाई क्या करता है, ये इंप्लाई करता है कि 3 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब एक काम करिए, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन को बाहर ले लें तो माइनस बी माइनस ए, तो आप देखेंगे कि 3 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो आप देखेंगे 3 बी माइनस ए को भी तो डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या इंप्लाई हुआ,
कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, मीन्स कि अगर ए बी का रिश्तेदार है तो बी भी ए का रिश्तेदार है, डेट इज आर हमारा सिमेट्रिक भी है, आर इज सिमेट्रिक। अब थर्ड, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी का रिश्तेदार है, बी सी का रिश्तेदार है, मीन्स कि थ्री डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को एंड थ्री डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को भी। तो देखिए आप अगर ऐड करेंगे तो देखेंगे कि थ्री डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये आ क्या रहा है बच्चों, थ्री डिवाइड्स ए माइनस सी। तो आपने देखा कि अगर ए बी का रिश्तेदार है और बी सी का रिश्तेदार है तो हमें यहां से दिख रहा है कि ए सी का रिश्तेदार है, जो कि ट्रांसिटिविटी में आती है कंडीशन कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी एंड साइमल्टेनियसली बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी, देन फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन ए इज शुड बी रिलेटेड टू सी। तो यहां पे देखेंगे कि ए हमारा सी से रिलेटेड है, तो ये इंप्लाई क्या करता है कि हमारा आर जो है ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। तो हमारा ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया ये बच्चों हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इससे ये इंप्लाई हुआ, ये हमारा ये ब्लू वाला मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, तो देखिए आर रुकी हमें कि हमें पता चला कि क्या बात है, रुकिएगा। आर एस चलिए हम ब्लैक से ही लिख रहे हैं, क्या करें, हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा अच्छे से लिखे। तो हमें ये पता चला कि हमारा ये जो आर है, देयरफोर आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या अब हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अब क्या करिए, जो हमारे पास ये सेट है इसका कोई भी रेंडमली एलिमेंट पिक करिए, हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो हमने सेंटर से स्टार्ट होते हुए हमने जीरो को लिया, जीरो हमारा बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में, और हमने अभी बताया कि इक्विवेलेंस क्लासेस हमारी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की निकलती है जो सेट का मेंबर है। तो हमने बताया कि अगर आप इक्विवेलेंस क्लास जीरो की निकालें तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट उसमें जीरो ब्रैकेट क्लोज। तो हमें कलेक्ट करने हैं वो सारे इंटीजर्स जो क्या हो, जो रिश्तेदार हो जीरो के, डेट इज विच आर रिलेटेड टू जीरो। और रिलेशन क्या है रिश्तेदारी में, वो ये है कि थ्री शुड डिवाइड एक्स माइनस जीरो, मतलब कि दो इंटीजर का डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय थ्री, डेट इज थ्री शुड डिवाइड एक्स, मीन्स कि हमें वो सारे इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं जो मल्टीपल हो थ्री के। तो आप देखिएगा कौन कौन आ सकता है इसमें, जीरो थ्री डिवाइड जीरो, वन आएगा मगर वन डिवाइड नहीं होता थ्री से तो वन नहीं आएगा, टू आएगा टू भी नहीं डिवाइड होता है थ्री से नहीं आएगा, बट अगर आप थ्री लेंगे तो थ्री डिवाइड थ्री तो आप क्या लीजिए थ्री। सिमिलरली आप माइनस थ्री ले सकते हैं, मल्टीपल ऑफ थ्री ले सकते हैं, मीन्स कि वो आधे इंटीजर्स हमें कलेक्ट करने हैं जो थ्री से डिवाइड होते हैं, फोर नहीं ले सकते, फाइव नहीं ले सकते, सिक्स ले सकते हैं, माइनस सिक्स भी ले सकते हैं, नाइन ले सकते हैं, माइनस नाइन ले सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे। मतलब कि हमारा जो इक्विवेलेंस क्लास जीरो की है उसमें कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं जो मल्टीपल हो थ्री के, वन भी हमारा बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में। तो हम चलिए इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं वन की, मीन्स कि हमें अब इंटीजर्स वो वाले कलेक्ट करने हैं जो रिश्तेदार हो वन के, विच आर रिलेटेड टू वन, डेट इज थ्री शुड डिवाइड, मीन्स कि अगर वही इंटीजर्स आपस में कनेक्ट हो पाएंगे जिनका डिफरेंस क्या हो डिविजिबल बाय थ्री। तो यहां पे x और 1 दो इंटीजर्स हैं तो x माइनस 1 का जो डिफरेंस है शुड बी डिविजिबल बाय 3।
तो अब देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे। तो देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, क्या आप जीरो लोगे? जीरो नहीं ले सकते हम, क्योंकि आप जीरो माइनस वन करेंगे तो माइनस वन आएगा और माइनस वन डिवाइड नहीं होता थ्री से। आप क्या वन लोगे? तो वन आप ले सकते हो, क्योंकि वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो डिवाइड करता है थ्री को, तो आप वन लीजिए। आप टू नहीं ले सकते क्योंकि टू माइनस वन वन आएगा, थ्री थ्री माइनस वन टू आएगा, नहीं होता। फोर आप लीजिए बिकॉज फोर माइनस वन हमारा थ्री है और थ्री डिवाइड थ्री। आप सेवन ले सकते हो, टेन ले सकते हो, ठीक है बच्चों। आप अगर रिवर्स नेगेटिव में देखेंगे तो आप माइनस टू लोगे बिकॉज माइनस टू माइनस वन करेंगे तो माइनस थ्री और माइनस थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री। आप ले सकते हो माइनस फाइव बिकॉज माइनस फाइव माइनस वन करेंगे तो माइनस सिक्स। आप ले सकते हो माइनस एट बिकॉज माइनस एट माइनस वन करेंगे माइनस नाइन, डिविजिबल हो रहा है। तो ऐसे हम लोग लेते चले जाएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास अगर आप वन में देखेंगे तो कैसे आ रहे हैं, वन फोर सेवन टेन इस फॉर्म में, मीन्स कि वो वाले इंटीजर जिनका डिफरेंस करने पे बाय सब्ट्रैक्टिंग विथ वन वो डिवाइड हो जाए थ्री से। अब हमारा टू भी हमारा आता है सेट ऑफ इंटीजर में, तो अब इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं टू की, मीन्स कि हमें कलेक्ट करने हैं वो सारे इंटीजर्स जो कि रिलेटेड है टू से, डेट इज जो दो के रिश्तेदार है, मतलब कि जिनका डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। तो यहां पे दो इंटीजर क्या है, एक एक्स और एक टू। अब हमें वो इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं जिनको टू से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इंटीजर आए वो डिविजिबल हो थ्री से। तो अब हमारा कौन सा आएगा, यहां पे आएगा बच्चों हमारा टू आएगा बिकॉज टू माइनस टू जीरो। फाइव आएगा क्योंकि फाइव माइनस टू थ्री, थ्री शुड बी डिविजिबल बाई थ्री। एट आएगा, एलेवन आएगा, अगर पीछे साइड से देखेंगे तो आपका ये आएगा माइनस वन, माइनस फोर, माइनस सेवन। माइनस सेवन कैसे, माइनस सेवन माइनस टू करेंगे क्या आ रहा है बच्चों, माइनस नाइन, और माइनस नाइन इज डिविजिबल बाई थ्री। हमें वही इंटीजर कलेक्ट करने हैं जो डिविजिबल हो थ्री से। तो यहां पे हमने इक्विवेलेंस क्लास जीरो की निकाली, इक्विवेलेंस क्लास वन की निकाली, इक्विवेलेंस क्लास टू की निकाली। अब देखिए बच्चों, अगर आप इक्विवेलेंस क्लास थ्री की निकाले, थ्री भी हमारा बिलोंग करता है इंटीजर है, तो हमें वो सारे इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं जो रिश्तेदार हो थ्री के, डेट इज जिनका डिफरेंस एक्स डिविजिबल हो थ्री से। तो इसमें अगर आप देखें तो कौन से आएंगे, एक तो हमारा आ जाएगा जीरो आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस सिक्स आ जाएगा, माइनस नाइन आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला सेट तो हमें देखा देखा सा लग रहा है, तो ये जो इक्विवेलेंस क्लास थ्री आई वो तो सेम है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो थ्री माइनस थ्री सिक्स माइनस सिक्स, जीरो थ्री माइनस थ्री सिक्स माइनस सिक्स, वही सेम आया। ये तो इक्वल आई हमारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो के। और अगर आप इक्विवेलेंस क्लास फोर निकालें, मीन्स कि वी आर कलेक्टिंग दोज इंटीजर्स विच आर रिलेटेड टू फोर, डेट इज जिनका डिफरेंस हमारा क्या हो डिविजिबल बाय थ्री। तो इसमें हमने देखा, इसमें आपका आएगा वन आ जाएगा, और वन आ जाएगा आपका इसमें, और फोर आएगा, फोर माइनस फोर जीरो जो कि डिविजिबल है। सेवन आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर आई ये हमारी सेम है जो इक्विवेलेंस क्लास टू आई हमारी, मीन नहीं हमारी सेम है किसके, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, क्योंकि माइनस फाइव माइनस टू वन फोर सेवन, और ऐसे ही एलिमेंट है माइनस टू वन फोर सेवन इसमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में। तो
हो क्या रहा है कि अब हम लोग कोई भी इंटीजर की अगर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, या तो वो इक्विवेलेंस क्लास 1 के इक्वल आएगी, या तो इक्विवेलेंस क्लास 2 के इक्वल आएगी, या तो इक्विवेलेंस क्लास 3 के इक्वल आएगी। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि हमारा जो गिवन रिलेशन है, हेंस द गिवन रिलेशन ऑन जेड, जो हमारा गिवन रिलेशन आर है सेट ऑफ इंटीजर में, इसने डिवाइड कर दिया हमारे बड़े से इंटीजर को तीन हिस्से में, डिवाइड्स, हैज द गिवन रिलेशन ऑन जेड डिवाइड्स सेट ऑफ इंटीजर्स इनटू थ्री डिसजॉइंट मींस कि वो सेट्स जिसमें जिनका जब इंटरसेक्शन किया जाए तो कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले। तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिलेशन है उसने डिवाइड कर दिया सेट ऑफ इंटीजर को तीन इक्विवेलेंस क्लासेस में, और देखेंगे कि ये तीनों बिल्कुल डिसजॉइंट है, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन नहीं है। अगर थ्री इसमें है तो थ्री ना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में मिलेगा, ना ही थ्री हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में मिलेगा, थ्री बस यहीं पे मिलेगा। अगर यहाँ पे देखें 1 हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में है, ना 1 अब हमें इक्विवेलेंस क्लास 0 में मिलेगा, ना 1 हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में मिलेगा। तो मतलब कि हमें 3 इक्विवेलेंस क्लास मिली, वो भी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, नेमली कौन कौन सी, एक तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। मीन्स कि हमारा जो बड़ा सा ये इंटीजर था, सेट ऑफ इंटीजर, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया कि एक पोर्शन ले गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इसने कहा कि इतने एलिमेंट हम संभाल लेंगे, एक ने कहा कि हम इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर बड़ा सा था, अब इसको थ्री पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 ने कुछ एलिमेंट ले लिए, थोड़े से बचे एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ने लिए, और जो रिमेनिंग बचे वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में आ गए। और सबका अगर आप यूनियन करें तो हमें फिर से हमारा पूरा इंटीजर मिल जाएगा। एंड अगर आप देखें, बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का अगर यूनियन करें तो आपको पूरा सेट ऑफ इंटीजर ही मिलेगा। देख लीजिए बच्चों, आप देखिए 0, 1 यहां से मिला, 2 हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 से मिला, 3, 4, 5 अगर आप नेगेटिव में देखें तो -1 यहां पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, ये बच्चों 2 है, ये थोड़ा सा स्पेसिंग उधर हो गया, -2, -3, -4 आप देखते जाएंगे कि अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का यूनियन करें तो बच्चों आप देखेंगे कि आपको पूरा सेट ऑफ इंटीजर मिल रहा है। तो इसी एग्जांपल से हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास का बहुत ही अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझा, और इसकी कुछ हिडन प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ पे दिख रही है, जो मैं बोर्ड रब करके आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ वो कैसे है, इसी एग्जाम्पल से वो प्रॉपर्टीज भी हम लोग समझ लेंगे। तो इसको बच्चों मैं रख करता हूं और आपको वो भी समझाता हूं। अब हम लोग बच्चों इक्विवेलेंस क्लासेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को इस एग्जांपल के रेफरेंस से समझेंगे। तो अगर आपके पास वो इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया जाए कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि डिफाइन किया है हमने किसी नॉन एम्प्टी सेट पे ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट इट बी ए मान लेते हैं। हमारे पास एक कोई अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि डिफाइन है किसी नॉन एम्प्टी सेट पे, जैसे कि यहां पे हमने सेट ऑफ इंटीजर लिया और रिलेशन क्या डिफाइन किया कि दो इंटीजर आपस में तब रिलेटेड है जब उनका डिफरेंस डिविजिबल बाई 3 हो। तो आप अगर जो सेट है नॉन एम्प्टी, अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट पिक करें रैंडमली, ए और बी हमने क्या किए, दो एलिमेंट पिक किए सेट ए के, देन
इक्विवेलेंस क्लासेस सेटिस्फाइज फोर, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट पे अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है तो आप इक्विवेलेंस क्लासेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करेंगे आगे, तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। वो ये है कि अगर आपने इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट की निकाली, जैसे आपने इक्विवेलेंस क्लास निकाली ए की, तो जो इक्विवेलेंस क्लास ए की होगी उसमें ए जरूर प्रेजेंट होगा। मीन्स कि हर एक इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा जिसकी इक्विवेलेंस क्लास है। जैसे आप यहां पे देखें जीरो, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में जीरो प्रेजेंट है, आप देखिए जीरो हमारा प्रेजेंट है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में अगर आप देखें तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में वन भी प्रेजेंट है। अगर आप टू देखें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू में, तो इक्विवेलेंस क्लास में हमारा टू प्रेजेंट है। अगर आप थ्री की इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे तो उसमें थ्री प्रेजेंट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट तो जरूर होना ही होना है। तो इससे इंप्लाई क्या कर सकते हैं कि सो डैट हमारी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं ये हमारी नॉन एम्प्टी होती है। क्या होती है बच्चों? नॉन एम्प्टी, जिसमें एक एलिमेंट तो होना ही होना है। वो कौन सा? कि जिसके आपने इक्विवेलेंस क्लास निकाली है जिस एलिमेंट की, वो एलिमेंट तो उस इक्विवेलेंस क्लास में आएगा ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी वो क्या? अगर आपकी कोई इक्विवेलेंस क्लास है, हमने ले लिया किसी एलिमेंट की, जैसे एक हमने सेट का एलिमेंट लिया, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाली, इसमें अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर जाए, जैसे कि बी बिलोंग कर गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, देन अगर आप बी की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, अब आपने क्या किया, इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट के निकालते हैं, तो हमने क्या किया, बी की इक्विवेलेंस क्लास निकाली, तो बच्चों ये हमारी इक्वल होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के। कहने का क्या मतलब है? अगर कोई एलिमेंट किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाए तो उस एलिमेंट की अगर आप इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो वो इक्वल आएगा। जैसे आप देखिए ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो है, अब आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो में देखेंगे कि थ्री हमारा बिलोंग कर रहा है, थ्री बिलोंग कर रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो में, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमने इक्विवेलेंस क्लास थ्री निकाली और ये सेम आई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। तो यही कहने का मतलब है, अगर किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में कोई एलिमेंट आता है तो उस एलिमेंट के अगर आप इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो वो उस इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल आएगी। मीन्स कि आप जैसे वन में देखें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में फोर बिलोंग कर रहा है, फोर बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, तो अगर आप देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर तो ये बच्चों किसके इक्वल आए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। तो यही कहने का मतलब है, अगर कोई एलिमेंट किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाए तो उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास उस जो गिवन है उसके इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगा। थर्ड क्या कहता है, अगर दो इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अभी आगे चल के आपके इसको पता भी चलेगा। अगर दो इक्विवेलेंस क्लासेस अगर इक्वल होती हैं तो वो दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, मीन्स कि वो दोनों एलिमेंट आपस में रिश्तेदार होंगे, मीन्स कि ए इज रिलेटेड टू बी। आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री हमारी इक्वल है, हमने निकाला भी है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एलिमेंट हमारे आपस में रिलेटेड भी हैं, आपस में रिलेटेड है। आप चेक कर लीजिए, अब थ्री और जीरो का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा, और थ्री हमारा डिविजिबल है थ्री से, तो बिल्कुल ये हमारे क्या है, रिलेटेड है। अगर आप इसमें देखें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन हमारी इक्वल है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर के, तो ये दो एलिमेंट है वन और फोर, ये दोनों आपस में रिश्तेदार है, वन इज रिलेटेड टू फोर, आप चेक कर सकते हैं।
अब 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा और 3 हमारा डिविजिबल है 3 से। तो वही कहने का मतलब है अगर दो एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास सेम है तो वो दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे ही होंगे। और एक कन्वर्स भी ट्रू है, अगर दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास भी सेम होगी भाई, कोई वो नहीं। आप देख सकते हैं जैसे 3 और 0 हमारे रिलेटेड है, 0 इज रिलेटेड टू 3, तो आप देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 हमारी सेम है, वही कहने का मतलब है। तो ये हमारा दोनों तरफ से इंप्लाइज और इंप्लाइड बाई कि इफ टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर इक्वल देन देयर एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इफ टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर देयर इक्विवेलेंस क्लासेस आर इक्वल। लास्ट और ये वाली तो हम लोग को बहुत ज्यादा बोल बोल के आ रही है प्रॉपर्टी, वो ये है कि आइदर हमारी दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो डिसजॉइंट होंगी या तो आइडेंटिकल होंगी। ये नहीं होंगे कि हाफ एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं हाफ एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर बिलोंग करो तो पूरा बिलोंग करो, जैसे कि पूरे इक्वल हो जाओ, या तो बिलोंग ही ना करो। आप देख सकते हैं कि हमारी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो जो है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन से पूरी अलग है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और जब कॉमन होने पे आया तो आप देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री उसमें एक एलिमेंट नहीं कॉमन है। अगर कॉमन होना होगा तो सभी हो जाएंगे कॉमन, ये नहीं है कि हाफ होंगे हाफ नहीं होंगे। तो इससे एक जो प्रॉपर्टी आई वो ये आई कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस अगर आपने रेंडमली पिक करी तो या तो वो डिसजॉइंट होंगी, मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, या तो फिर वो आइडेंटिकल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? आइडेंटिकल, दैट इज टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने रिलेशन था, हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाली तो साफ दिखा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू करेंगे तो उसमें भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू करेंगे तो भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर कॉमन होने पे आया तो या तो फिर ये हो जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री, या तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा या तो सारे एलिमेंट कॉमन हो जाने हैं। अगर तो मतलब कि दो ही चॉइसेस हैं। अगर दो इक्विवेलेंस क्लासेस आपको मिले तो आप ये सोच लीजिएगा या तो डिसजॉइंट होनी है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, या तो पूरा इक्विवेलेंस क्लास दोनों सेम हो जानी है। तो आज हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन से हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ी, इक्विवेलेंस क्लासेस से हमने एक एग्जांपल किया, और इस एग्जांपल की रेफरेंस से हम लोगों ने इक्विवेलेंस की आज 4 बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपको इनका प्रूफ भी चाहिए, मतलब कि अगर आपको ये चाहिए कि प्रूफ भी करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बच्चों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रूफ भी कराऊंगा। वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आप इससे आगे मूव करेंगे और पढ़ेंगे पार्टीशन के बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।